घर से निकलते हुए पहले बाइक को थोड़ा गर्म कर लूँ। फर्स्टली हमने मनाली पहुंचना है जो मेन टारगेट है, और बाकी बीच बीच में कहाँ पे रुकते हैं वो तो शॉर्ट ब्रेक्स के थ्रू आपको पता चलता रहेगा। सो फिलहाल अभी टाइम हो रहा है अराउंड 3:15, हम निकल गए हैं अभी घर से। ये राइड काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, और हमारा इसमें मेन एम रहेगा कि 2 दिन में कॉन्कर करना। 1 दिन में जानेगा जम्मू टू मनाली, एंड इन द सेकेंड डे फ्रॉम मनाली टू जम्मू। आई थिंक कि जम्मू टू मनाली इज़ अराउंड 425-430 किलोमीटर्स, तो इसे हमने आज अचीव करना है। सो अपनी ये टोटल राइड है अराउंड 1000 किलोमीटर की रहने वाली है। अराउंड 3000 किलोमीटर की ट्रिप हो चुकी थी जब हमने ये राइड शुरू की है। सो नाउ अभी हम तवी ब्रिज के पास पहुंच गए हैं। अब हम लेंगे यहाँ से अपवर्ड टू फ्लाई ओवर, डायरेक्टली निकलेंगे, और यहाँ पे लाइटनिंग कंडीशंस का कुछ सुधार हुआ है। सो फाइनली अभी हम सतवारी मेन चौक पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ से अभी अपने को लेना है लेफ्ट टर्न, और फिर हम हो जाएंगे नेशनल हाईवे पे। तो अभी जो जम्मू में नया टोल प्लाजा खुला है, तो वो कुछ ऐसा सा है दिखने में, सरोर नाम की जगह है जहाँ पे ये न्यू टोल प्लाजा खुला है। Welcome you all to my YouTube channel. Hope you guys are all doing absolutely fine. So अभी starting का तो जब घर से निकले थे तब आपको मैंने दिखा दिया था, तो फिलहाल ये है मेरा भाई मेरे साथ जो ride पे जा रहा है, तो introduce. Hi guys, this is Rohit. तो ये अभी भाई मेरे साथ जाएंगे, और हमने अभी मतलब कि पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मनाली की राइड लगानी है जम्मू से, और फर्स्ट टाइम करके दिखाना है ये कि, और वो भी स्प्लेंडर बाइक अपनी, ये 100 cc 97.3 cc ऐसे कुछ है, 100 भी नहीं है कंप्लीट, बट स्टिल अभी फ़िलहाल भारत पेट्रोलियम गगवाल में हम रुके हुए हैं, तो एक शॉर्ट ब्रेक लिया था वॉशरूम के लिए। सो अभी तक का ये जम्मू में आई थिंक सबसे बड़ा पेट्रोल पंप, ये चेक करो कितना बड़ा है, ये इतना ज़्यादा बड़ा है कि इसमें आराम से 50 ट्रक्स यहाँ पे खड़े हो सकते हैं एट ए टाइम। ये पीछे कुछ टॉयलेट्स वगैरह और रिफ्रेशमेंट एरिया भी बनाए हुए हैं यहाँ पे, और बाकी ये सब पूरा सीन है। तो रास्ते में जो भी करते रहेंगे पूरा आपको दिखाते रहेंगे। सो अपनी फ़िलहाल ये बाइक है, और ये एक भाई और मैं आपका एक्सप्लोरिंग देसी, तो इसके ऊपर हम अचीव करके दिखाएंगे मनाली फ्रॉम जम्मू। सो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो लास्ट तक इस व्लॉग को एंजॉय करो। सो फिलहाल अभी चाय पीने के लिए रुक लखनपुर एरिया में। सो पीछे मेरा भाई और चाय की अभी चुस्की ले रहे हैं दिन में, आगे फिर देखो क्या बनता है आगे सीन, कहाँ पे स्टॉप लेते हैं दूसरा। फिलहाल ये पहला स्टॉप था, और अभी टाइम हो रहा है करीब 5:30 के, तो और बीच में 10 मिनट की ब्रेक थी, तो ये भी 5-10 मिनट की ब्रेक। सो अभी तक तो सब सही चल रहा है, बाकी आगे भी ऐसे ही चलता जाएगा। सो अभी हम खड़े हैं पंजाब बॉर्डर, पंजाब और हिमाचल बॉर्डर पे। इस पुल के पार है हिमाचल, और इस पुल से पहले जहाँ पे अभी हम थे ये था पंजाब। ये कुछ ऐसा सा पुल है, और लोकेशन चेक करो, हिमाचल यहाँ से शुरू और पहाड़ियाँ भी यहाँ से शुरू। काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहने वाला है पूरा सफ़र,
और आप लोग भी इसे ज़रूर इंटरेस्टिंग बनाइएगा सफ़र को, कमेंट करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, और लाइक भी ज़रूर करिएगा। बाकी देखो और कितना मज़ा दिला सकते हैं हम आपको अपने इस छोटे से सफ़र के ज़रिए। आई डोंट नो अभी हम कहाँ पे हैं, ये एक्चुअली मैप सब कुछ लगा रखा है। वाई इट्स कीप ऑन स्टॉपिंग। अभी तक अराउंड हम 128 किलोमीटर्स ट्रैवल कर चुके हैं। सो टाइम भी हो रहा है अभी 6:43 के करीब हो रहा है टाइम। सो अच्छी स्पीड मेंटेन की हुई है। हम उम्मीद है कि 3-4 बजे तक हम मनाली हों। सो रेस्ट सी क्या हाल रहता है आगे रोड का। तो चलिए जहाँ खाने रुकेंगे आपको भी साथ में खिलाएंगे या दिखाएंगे खाते हुए कितना मज़े लेके हम खा सकते हैं खाने को। चलिए अभी ये मोटर जॉकी आपसे लेता है अलविदा। वी आर करंटली 1 to 2 किलोमीटर बिहाइंड नूरपुर एरिया। ओ सॉरी, द अबव रोड गोज टू नूरपुर। ऊपर वाला नूरपुर को जाता है रोड और ये नीचे वाला मंडी वाली तरफ। सो बेसिकली रूट ये है कि हमें फर्स्टली मंडी पहुंचना है, फिर मंडी से एक ऊपर की तरफ टर्न लेना है, तो वहाँ से हम मनाली के लिए जाएंगे। सो अभी यहाँ से मंडी रोड शुरू है पूरा। सो मंडी तक यही जाएगा और बीच में हम पास करेंगे बीरबलिंग, बैजनाथ एंड देन 2 to 3 more locations। सो जिस हिसाब से हम बढ़ते जाएंगे आपको मैं बताते जाऊंगा। और यहाँ से पहाड़ियों का नज़ारा शुरू हो गया है मॉर्निंग वॉक करते हुए बंदे यहाँ पे। वाह यार, ये मतलब कि खाली खाली जमीन, हर जगह पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ, इसका नज़ारा एक अलग ही आता है। जम्मू में भी मैं कभी अगर पहाड़ वाली साइड जाऊँ, जैसे रियासी एरिया, सुंदरबनी, तो वहाँ पे भी कुछ एक अलग फ्रेशनेस फील होती है। सो मज़ा ही आ जाता है यार वहाँ पे। एक टाइप से तो हमने सनराइज होते हुए देखा है, अभी अच्छी तरह से सनराइज हुआ नहीं है बट स्टिल मज़ा ही आ गया यार कुछ अलग। एंड राइट नाउ वी हैव डन 139 किलोमीटर्स। मैप इज गोइंग, ओ वी नीड टू टेक टर्न टू राइट। Inside my own world of make-believe, kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. अभी फिलहाल सेकंड ब्रेक लिया और हम यहाँ पे रुके हैं वर्मा ब्रदर्स ढाबा। तो यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे तो उसके बाद फिर आगे निकलते हैं। तो अभी लोकेशन का तो कुछ पता नहीं है कौन सी है, बट ये नेशनल हाईवे 154 के बीच में ही है कोई लोकेशन। और अभी टाइम हुआ है अराउंड 7:35 के करीब अभी टाइम हुआ है। तो बाकी ऐसा कुछ लोकेशन है, पहाड़ी इलाका कब का एंटर कर चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार मज़ा आ रहा है। फिर आगे मिलते हैं खाना खाने के बाद। गाइस वी हैव एंटर्ड पालमपुर एरिया और पालमपुर एरिया के फेमस टी गार्डन्स आपके सामने। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, वाह बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। टी गार्डन्स तो भाई एक अलग ही व्यू दे रहे हैं इस एरिया का। बेसिकली हम अभी पालमपुर एरिया की आउटस्कर्ट्स में चल रहे हैं। नैरो रोड्स, डिफिकल्ट राइड, चैलेंज 1000 किलोमीटर, सब करके दिखाएंगे, सब करके दिखाएंगे। अभी
करेंटली अभी हम पहुंचे हैं बैजनाथ मार्केट में. सो पीछे शिव टेंपल बैजनाथ था. तो अभी अपना जो रूट है वो डायरेक्टली मनाली का है, तो इसलिए अपन और कहीं नहीं घूमेंगे फ़िलहाल. तो अपन डायरेक्ट मनाली जाएंगे क्योंकि टाइम कम है और अपने को मेन लोकेशन पे जल्दी पहुंचने का है. तो अभी ये है कुछ ऐसी बैजनाथ मार्केट. यहाँ पे भी बर्फ़ के आसार होते हैं, बर्फ़ पड़ती है तभी लोगों ने ऐसे हार्ट शेप मकान बना रखे हैं. वो हरियाणा रोडवेज यहाँ सही है. भाई साहब नज़ारा अब शुरू होता है सही. ओ अब सही नज़ारा शुरू होगा. अब आपको क्लोज कैप्चर मिलेगा माउंटेन्स का. कितना ज़बरदस्त नज़ारा है. बाकी अपनी अभी तक 100cc तो बढ़िया चल रही है. स्प्लेंडर मस्त है, मोटो जॉकी मस्त है, मोटो जॉकी का भाई भी मस्त है, सब बढ़िया है. अभी हम मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर चुके हैं और मंडी डिस्ट्रिक्ट तो आपको जैसे दिख ही रहा है यहाँ पे कितनी खूबसूरत है. हर जगह चीड़ के पेड़, ऐसे पाइन शायद पाइन कहते हैं, पाइन ट्रीज या हम हिंदी में बोले तो चीड़ के पेड़. सो वाओ, ऐसे से रोड मिल जाए ना कभी तो चाहिए क्या और जिंदगी में. When the lights go down, I see hell in you, but you don't care now, you don't care now, you just rather watch me fall. From a golden mile, I can see you at the call. Think about it, rain won't tell you what I saw. When you break it off, you'll see who had it all. किलोमीटर्स के करीब चल चुकी है. वहाँ पे हमने ये मोमोज और एक इनकी स्पेशल चीज सिट्टू खाई थी और अभी कुलचा वगैरह खाएंगे. ऐसा कुछ लोकेशन है पूरा. सो यहाँ पे स्टॉप लगाए और अपनी बाइक पूरी रेडी है. तो ये है अपनी बाइक. We have done around 300 kilometers of our trip. 300 kilometers पूरा कर चुके हैं ट्रिप और अभी द्रांग एरिया है कोई मंडी से 20 kilometers पीछे. So वहाँ पे हैं अभी भतोग एक नया पॉइंट द्रांग एरिया के अंदर. अभी इधर पे कंस्ट्रक्शन वगैरह लगी हुई थी और उसकी वजह से पूरा जाम हो रखा था एरिया मनाली रोड पे. तो भैया यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क इतना चल रहा है कि पैर कपड़े सब बुरी हालत से सफ़ेद हो गए हैं, बस लगभग यही समझ लो. और हर जगह धूल ही धूल. और अगर मैं आपको अपने हाथ दिखा दूँ तो एक टाइप काले ही हो रखे हैं पूरे. उम्मीद है कि आने वाले दिनों में 4 lane बन जाए. उसकी वजह से लगा हुआ डेवलपमेंट में, अब थोड़ा तो सहन करना ही पड़ेगा अगर कुछ बढ़िया चाहिए तो. चलो फाइनली अब एक अच्छा ट्रैक जो कि लग रहा है कि हाईवे पे चल रहा है बंदा. पीछे वाला तो टोटल ऑफ रोड था और पूरा डिग 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 ऐसे ही होता रहा बस. और सामने व्यू नज़ारा चेक करो कितना ज़बरदस्त है.
wow. It's just wow. Wow. मज़ा ही आ गया यार. बहुत ही ज़बरदस्त राइड थी भाई. फाइनली अब जाके कहीं स्पीड मेंटेन हो रही है, नहीं तो पीछे 100 किलोमीटर में तो 30-40 ऐसे ही चल रहा था. अभी तक 60 किलोमीटर बाकी है मनाली पहुंचने में. लेट्स सी और कितना टाइम लगता है. अगर ऐसा ही रोड रहा तो जल्दी हो जाएगा, अगर बीच में कुछ खराबी या ऑफ रोड ट्रैक आया तो फिर थोड़ा लेट भी हो सकता है. ये भी हम उस एरिया में पहुंच चुके हैं जहां पे आपको सिर्फ रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग की दुकानें मिलेंगी और साथ में ढाबे वगैरह भी. बट ये अलग अलग काउंटर्स बने हुए हैं यहाँ पे, किसी में भी आप बुक करवा सकते हो अगर आप पैराग्लाइडिंग या राफ्टिंग करना चाहते हो. सो ये था कुछ जो मेरे को लगा कि आपको बताना थोड़ा ज़रूरी है. सो अभी का लेटेस्ट अपडेट ये है कि हम पहुँचे हैं कुल्लू मनाली कुल्लू मार्केट में. तो ऐसी सी है कुछ कुल्लू मार्केट दिखने में. सो बहुत बड़ी मार्केट लगती है यहाँ पे. ये जो आपको पीछे बड़े बड़े शेड्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे शाम को बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट लगती है और काफ़ी बड़ी है. तो एक से एक आइटम्स आपको काफ़ी सस्ते रेट में मिलती हैं यहाँ पे. और यहाँ से कुछ पहाड़ों का सीनिक व्यू जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा हटके आ रहा है. तो अभी आप चेक करेंगे कितना ज़बरदस्त व्यू है, मैं आपको दिखाता हूँ. अभी इतना ज़बरदस्त व्यू है कि मैं भी हैरान रह गया था पहली बार देख के. तो इतने क्लोजली पहाड़ों को देख के एक अलग ही फ्रेशनेस फील होती है और एनवायरनमेंट पूरा हेल्दी क्रिएट हुआ होता है तो एक अलग ही मज़ा आता है. तो पूरा शरीर रिफ्रेशन हो जाता है. वाओ कितने ज़बरदस्त है ये पूरा नज़ारा, इसका मज़ा ही कुछ. सामने आप अगर इस समय देख पा रहे होंगे तो पहाड़ों में बर्फ पड़ी हुई है. दैट इज आई थिंक द रोहतांग पास. और ये है मनाली की मार्केट कुछ इस प्रकार की. भाई साहब कोल्ड ब्रीज चल रही है इस समय बुरी वाली, और तो मजा ही कुछ और है. फाइनली वी मेड इट टू मनाली. टाइम आई थिंक इट्स अराउंड It's 5:47. 5:47 पे हम मनाली में हैं. Wow, it's a record for us. मज़ा ही आ गया, एक रिकॉर्ड बनाया है. 423 किलोमीटर्स इन वन डे, अराउंड 450 किलोमीटर्स. Wow, clap for us. Wow, wow, एक बहुत ही बढ़िया फीलिंग. चलिए बाकी देखते हैं, फिर आपसे होटल में बात करता हूँ. सो फाइनली अभी हम अपने रूम में पहुंच गए हैं और पूरा फ्रेशन अप होके अब बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए. तो मॉल रोड जहाँ पे भी जाएंगे उसका भी एक ब्लॉग बनाएगा अपन. तो अभी फिलहाल ये अपना रूम है होटल का, इस हम स्टे कर रहे हैं होटल मनाली इनमें. तो इसका मैं एक बार आपको रूम दिखा देता हूँ कैसा है ये. अगर आप कभी आना चाहो तो आप भी यहाँ पे आ सकते हो. So,
ऐसा सा कुछ रूम है। विद कबर्ड और यहाँ पे बाथरूम, टीवी भी इंक्लूडेड है और साथ में वाईफाई भी है। एंड हमने फिलहाल लिया था 2 पर्सन्स के लिए, सो जिस हिसाब की आपकी फैमिली या फ्रेंड्स हो उस हिसाब से आप ये रूम भी इंक्रीज कर सकते हैं। सो फिलहाल अभी चलते हैं मॉल रोड में और फिर देखते हैं क्या क्या वहाँ पे स्पेशल है। लेट्स गो। आज की वीडियो का सफर यहीं तक था। सो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो लाइक किए बिना मत जाना। और बाकी कल फिर देखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में क्या इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो ट्यून रहिए ताकि नेक्स्ट वीडियो के बारे में भी आपको जल्द से जल्द पता चल सके। और इंस्टाग्राम पे इसके लाइव अपडेट्स होते रहते हैं, तो वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो टिल देन, बाय बाय, बी कूल, बी हैप्पी एंड एन्जॉय योर लाइफ।